की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी हरियाणा से आ रही है, जहां आज से स्टेट परीक्षा, आज और कल स्टेट की परीक्षा होगी, आज स्टेट पीजीटी की परीक्षा होगी, थोड़ी देर में शुरू होगी परीक्षा, शाम 5:30 बजे तक चलेगी परीक्षा, कल स्टेट लेवल 2 पीजीटी की परीक्षा होगी, तो थोड़ी देर में शुरू होगी परीक्षा, तो शाम 5:30 बजे तक परीक्षा आज चलेगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में आज से एचटेट परीक्षा होगी, आज और कल होगी एचटेट की परीक्षा, आज एचटेट की पीजीटी की परीक्षा होगी, बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं, थोड़ी देर में शुरू होगी परीक्षा, सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा होगी, कल ही लेवल फर्स्ट और प्राइमरी परीक्षा होगी, लेवल फर्स्ट परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। नकल रोकने के लिए शिक्षा बोर्ड ने कमर कस ली है, शिक्षा बोर्ड ने कंट्रोल रूम में लगाई 44 स्क्रीन, तो कंट्रोल रूम में 44 स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि कहीं कोई नकल ना हो, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और कल ही लेवल फर्स्ट प्राइमरी परीक्षा होगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, तो स्क्रीन के जरिए रहेगी परीक्षा पर पैनी नजर, थोड़ी देर में शुरू होगी परीक्षा, 504 परीक्षा केंद्र, 172 ओलंदस्तों का गठन, स्क्रीन के जरिए पूरी तरह से नजर रखी जाएगी ताकि कहीं कोई नकल ना हो जाए, 504 परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं, 172 उड़नदस्तों का गठन भी कर दिया गया है, और इस पूरे परीक्षा पर पैनी निगाहें रहेंगी। सुमित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित हरियाणा में बड़ी परीक्षा स्टेट लेवल की परीक्षा हो रही है, इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई होंगी जाहिर है, हरियाणा में आज से स्टेट परीक्षा शुरू हो रही है, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए 2 दिन की हरियाणा व्यापक पात्रता परीक्षा का आज से आगाज हुआ है, बताना चाहूंगा अभी परीक्षा जो है शुरू हो चुकी है, चंद मिनट पहले परीक्षा हालांकि शुरू हुई थी, 2 घंटा 10 मिनट पहले तमाम परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों के अंदर बुलाए गए थे। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 95,493 परीक्षार्थी जो है 327 परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षा दे रहे हैं, हालांकि 2 दिन की परीक्षा का अगर मैं जिक्र करूं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आज लेवल 3 की परीक्षा है, कल लेवल 2 की परीक्षा, लेवल 1 की परीक्षा होगी, अल सुबह की अगर मैं बात करूं, कल लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज की परीक्षा में अगर मैं बात करूं, 95,493 परीक्षार्थी 327 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा है, तमाम परीक्षा केंद्रों पर जैमर्स लगाए गए हैं, धारा 144 लगाई गई, 200 मीटर के दायरे में अगर बात की जाए, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है जहां पर जो है तमाम जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में की गई है, 22 जिलों के अलावा 2 उपमंडलों पर भी कहीं ना कहीं, चाहे नारनौल की बात करें या फिर बहादुरगढ़ की बात करें, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यानी 2 दिन इस परीक्षा में जहां पर 3,05,717 परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे, वहीं 504 परीक्षा केंद्रों पर 172 जो उड़न दस्ते हैं वो कड़ी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा तीसरी आंख की निगरानी में यानी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रहेगी और पूरी तरह से सुरक्षा पैनी निगाहों के बीच में होगी। बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में आज से स्टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं, तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, स्टेट पीजीटी की परीक्षा आज से आयोजित हो रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अमित वर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, अमित सीधा रुक करूंगा आपका और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एनालिसिस आपका इस वक्त है, क्योंकि आज से स्टेट की पीजीटी की परीक्षा आयोजित होने जा रही है और कल भी ये परीक्षा होगी, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? परीक्षा बिल्कुल शुरू हो चुकी है, 3 बजे यहाँ पर परीक्षा का समय था, निर्धारित समय से शुरू हो चुकी है, और अधिक बात की जाए सुरक्षा को लेकर धारा 124 लागू की गई है, और यहाँ पर इस आज जिले की बात करें 45 परीक्षा केंद्रों पर 26,821 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए मौके पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर 2 लेवल 3 की परीक्षा हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पर
परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। और यहाँ पर पुलिस की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 7 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बिल्कुल, तो परीक्षा केंद्रों पर पूरी निगाहें रहेंगी और जिस तरह से सीसीटीवी कैमरों के अलावा स्क्रीन लगाई गई हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, उड़न दस्ते बनाए गए हैं और पूरी पैनी नजर के बीच में परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्रों का जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या कुछ कहना है परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध की गई है। आने जाने के लिए जो परीक्षा केंद्रों के लिए यहाँ पर वाहनों की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा तक आने जाने में दिक्कत ना हो इसके लिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बसों की सुविधा की गई है, वाहनों की सुविधा की गई है और अन्य जो साधन है उनके लिए सुविधा की गई है। और जो यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे उन्होंने प्रशासन का धन्यवाद किया है कि यहाँ पर दो बस स्टैंड से लेकर दो परीक्षा केंद्र लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से दूर है, उनके लिए यहाँ पर बसों की स्पेशल सुविधा की गई है जिनके लिए यहाँ पर प्रशासन का अभ्यर्थी ने धन्यवाद किया। क्योंकि जिस यहाँ पर पहले 1 महीने पहले यहाँ पर सेहत की परीक्षा हुई थी जिसको लेकर यहाँ पर सुविधा परीक्षा देने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब प्रशासन ने एसटेट की परीक्षा को लेकर यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे प्रबंध किए गए हैं, जिसके बाद विद्यार्थी अपने परीक्षा देने पर बाद यहाँ पर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे बाद में परीक्षा होने के बाद की यहाँ पर जो प्रशासन ने प्रबंध किए गए कितने पुख्ता प्रबंध किए गए। लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ पर बात की गई थी यहाँ जो अभ्यर्थी आए थे उनका साफ तौर पर कहना था प्रशासन द्वारा अच्छे प्रबंध किए गए हैं। बिल्कुल, तो अच्छे प्रबंध किए गए हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। कल का क्या वक्त रहेगा परीक्षा? यदि कल की बात करें तो लेवल दो की परीक्षा लगभग 10 बजे स्टार्टिंग हो जाएगी और लगभग 12:30 तक परीक्षा चलेगी, जिसके बाद शाम को लगभग 3 बजे के आसपास जो परीक्षा का समय निर्धारित किया गया शाम को 5:30 बजे तक लेवल 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसको देखते हुए कल का दिन प्रशासन के लिए भी अहम माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर सेहत की परीक्षा को लेकर जाम की स्थिति शहर में बनी थी और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उसे यहाँ पर निपटने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु के लुहान में यहाँ पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज और कल की ड्यूटी लगाई गई है, जिस पर यहाँ पर 150 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने बताया कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है अमित, तो उससे तो लगता है कि तमाम तैयारियां इसको लेकर की गई होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, खेत में पानी मिला तो सस्पेंड होगा अधिकारी। जेपी दलाल ने कहा कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिया 1 हफ्ते का टारगेट, किसान के हर खेत में होगी बिजवाई, खाद के साथ बीज दवाई देने पर भी कार्रवाई होगी, दुकानदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, दुकानदारों का लाइसेंस होगा रद्द, प्रदेश भर में नहीं होगा खाद का संकट। तो जेपी दलाल ने सख्त लहजे में कहा है, कृषि मंत्री ने यह साफ बयान देते हुए कहा है कि कहीं कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने अगर कहीं भी लापरवाही बरती तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अगर जबरन खेत में पानी मिला तो सस्पेंड होगा अधिकारी, दुकानदारों का लाइसेंस रद्द होगा।